आगरा शहर में जो है शमशाबाद से शुरू होने वाली एक पदयात्रा चालू की जा रही है, जिसको समाजवादी विजन एवं विकास पदयात्रा है। इस पदयात्रा के माध्यम से जो समाजवादी पार्टी ने अपने समाजवादी सरकार में जो काम किए हैं, जो आगरा का विकास कराया है, आगरा के आसपास आपको जो काम दिखाई देते हैं, वो काम जनता को बताने के लिए और ये समझाने के लिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये कार्यक्रम समाजवादी छात्र सभा के नौजवान चला रहे हैं और हम खासकर नौजवानों वर्ग को छूना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि जहां एक तरफ 2 करोड़ हर साल नौकरी का वादा देकर भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई थी, केंद्र में आई थी, वहीं इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले साल से इसकी वेबसाइट पर रोक भी लगा रखी है कि ये भी नहीं बता सकते या ये भी सरकार नहीं दिखा सकती कि आखिर उसने कितने रोजगार दिए हैं। तो जो झूठ इस देश की जनता और नौजवानों के साथ बोला गया था, उस झूठ को उजागर करने के लिए और जो काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में करके दिखाया था, आपने चाहे ऑटो रिंग रोड देखी हो, चाहे लखनऊ एक्सप्रेस वे देखा हो और बहुत सारे काम आगरा को सजाने और संवारने का आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था, उन कामों के ऊपर धर्म और जातियों की लड़ाई लगाकर और धर्मों की आग में जनता को झोंककर उन्होंने जनता में चुनाव लड़ा था। देश के प्रधानमंत्री ने भी यहां आकर देश के विकास की बात नहीं की, विकास के एजेंडे पे बात नहीं की, बल्कि दिवाली और ईद पर दी जाने वाली बिजली की बात की, कब्रिस्तान की बाउंड्री की बात की। जो देश अगर बेरोजगार को रोजगार देने की बात नहीं होगी, किसान को उसका हक देने की बात नहीं होगी, गरीब मजदूर किसान की उनकी दिक्कतें या बुनियादी जरूरतों की बात नहीं करेगी, इस झूठ को उजागर करने के लिए समाजवादी नौजवानों ने ये बीड़ा उठाया है और ये पदयात्रा आज गांधी चौक से शुरू हुई है शमशाबाद से और यहाँ कलेक्ट्रेट तक आएगी और इस कलेक्ट्रेट के बाद आने के बाद एक ज्ञापन के रूप में जो है ये यात्रा समाप्त होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमारे छात्र सभा के नौजवान साथी आज गांधी जी की मूर्ति से शमशाबाद से आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा भाई दिग्विजय सिंह जी ने हरी झंडी दिखा के शुरुआत की है, जिसका समापन 21 तारीख को आगरा कलेक्ट्रेट पर होगा। ये देखिए संख्या कितने कार्यकर्ता, छात्र, नौजवान, यूथ ब्रिगेड के लोग, लोहिया वाहिनी के लोग, समाजवादी महानगर की टीम कितनी संख्या में पहुंचती है। बहुत अच्छा प्रोग्राम आज तक हुए हैं और ये भी अच्छा ही होगा। तो ये पदयात्रा जो है ये जनता को जागरूक करने के लिए है। जिस तरीके से आज 2014 और 17 में बहुमत की सरकार बनाने के बाद, झूठे वादे करने के बाद भाजपा सरकार में आई कि डॉलर बहुत नीचे चला जाएगा, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, गैस मुफ्त हो जाएगी, पढ़ाई मुफ्त हो जाएगी, इलाज मुफ्त हो जाएगा, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आगरा जैसा शहर जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, जब प्रदेश के ऐसे शहर के हालात ये हैं कि आगरा की जनता को कुत्ता काट ले, बंदर काट ले, तो रेबीज का इंजेक्शन तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है। तो ये लोग मेक इन इंडिया बनाने की बात करते हैं, तो क्या हालात उन दूर दराज के देहात में होगा जहां आगरा जैसे शहर में बीचों बीच नहीं है? तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार किस तरीके से चल रही है।